ये विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की, हम आपको यूनिट बाय यूनिट सिलेबस करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। हम आपको 10th क्लास का टोटल टोटल सिलेबस करा देंगे, आप आराम से घर बैठे बैठे पास हो जाएंगे। वीडियो को देखते रहें, समझते रहें और चाय पीते रहें ताकि आपको नींद कम आए। देखिए क्वेश्चन क्या, ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन आपका संख्यांकी यूनिट से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी या आती है। समांतर माध्य से ये क्वेश्चन आपका जो आपके सामने है, ये आपका रिलेटेड। अब आप देखिए, जो हम आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा रहा है, देखिए। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। आपके इसमें आंकड़े दे रखे हैं, एक्स का मान क्या है 8, 7, 10, एफ का मान क्या है 1, 2, 0। ये आपके क्वेश्चन की टेबल है। आप देखिए आंसर वाइज टेबल किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। एक्स के नीचे एक्स के मान लिखेंगे और आपके नीचे एफ के मान लिखेंगे, एफ के मान एफ के नीचे लिखेंगे। दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 10 की 0 से करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब आप ध्यान दें, एफ़ वाले मान जो आपको दे रखे हैं, एफ़ वाले मानों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3। ये किसके बराबर होगा, सिग्मा एफ़ के। सिग्मा का मतलब यहाँ पर जोड़ से है। अब आप देखिए, जो गुणा वाले मान है तो गुणा वालों को जब आप जोड़ेंगे तीनों को तो क्या मिल जाएगा आपको, 22। क्या मिलेगा आपको, 22, जो आपके किसके बराबर कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स के। ज़रा ध्यान दें, क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स के। अब आप देखिए अपने फार्मूले या सूत्र में, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान आपका 22 है, बटे सिग्मा एफ एक्स का मान आपका 22 है बटे 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7.33। ये आपका सलूशन या आंसर है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।